एवरीवन, इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ब्यूटीफुल से माइलस्टोन्स जो आप अपने 3 मंथ्स बेबी में देख पाएंगे। अगर सबसे पहले बात करें उसकी फीडिंग की, तो इस एज का बेबी 700 से 1200 ml दूध कंज्यूम करता है पूरे दिन का। उसकी नंबर ऑफ फीड्स रहती है अराउंड 5 से 8 पूरे दिन की, जिसमें वो हर फीड के साथ 120 से 150 ml दूध तक कंज्यूम करता है। अब चाहे वो आप उसको ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो या फॉर्मूला दे रहे हो। अगर उसकी स्लीप की बात करें तो उसका स्लीप का पैटर्न थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। वो लंबे टाइम तक सोने लगता है, रात को कम से कम 4 से 5 घंटे तक भी सोने लगेगा और उसके बाद उठ जाएगा अपनी फीड के लिए। दिन में उसकी जो नंबर ऑफ नैप्स रहती है वो 2 से 3 रहती है, जो 1 घंटे से 2-2.5 घंटे के बीच में रेंज कर सकती है। वो डिपेंड करता है हर बेबी के ऊपर। अब उसकी डेवलपमेंट की बात करें तो उसके कुछ ब्यूटीफुल से माइलस्टोन्स आप नोटिस करोगे। वो मुट्ठी को बंद करने लगेगा, अपने हाथों पर उसका कंट्रोल आएगा, पैरों पर संभल के खड़ा होने की कोशिश करेगा अपने आप। कुछ आप उसको टॉय दोगे, वो एकदम से उसको पकड़ने की, ग्रैब करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा वो कलर्स को रिकॉग्नाइज करेगा, जो अभी तक उसको सब ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा था, वो अब कलर्स को आइडेंटिफाई करेगा। अब अगर उसके वेट की बात करें तो वो इंक्रीज होना चाहिए अराउंड 30% उसके बर्थ वेट के कंपैरिजन में, और हाइट की बात करें तो अराउंड 20% इंक्रीज हाइट में आ जाएगा। इस वक्त पर अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लगता है, स्माइल करने लगता है, जिसको हम सोशल स्माइल भी कहते हैं, और जो पेरेंट्स की सारी टेंशन को खत्म भी कर देती है। इस वक्त पर बच्चा, अगर आप उसको आवाज़ लगाएं तो उसको रिकग्नाइज भी कर पाता है। वो लोगों को रिकग्नाइज करने लगेगा, वो लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी आवाज़ें निकालेगा। जैसे कू का आपने सुना होगा, तो वो आवाज़ें इस एज के बाद निकालना, यानी 3 मंथ्स के बाद निकालना शुरू करता है। सबसे प्यारी बात एक और होती है कि उसका नेक के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, तो वो अपनी नेक को ज़्यादा देर तक खड़ा करने की कोशिश करता है। जब आप उसको टमी टाइम देंगे तब भी वो अपनी नेक को लिफ्ट कर पाएगा अराउंड 45 डिग्री एंगल तक। तो इस वक्त पर अगर कोई उसको आवाज़ लगाएगा, वो नेक को घुमाकर भी उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये थे कुछ ब्यूटीफुल से माइलस्टोन्स जो आप ऑब्जर्व करेंगे अपने 3 मंथ्स बेबी के लिए। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे प्यारा क्या लगा।